रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आएगा पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बस एक ही चीज है, सिर्फ डायग्राम डायग्राम ही आता है। रिफ्लेक्टिंग टाइप इसलिए नाम है क्योंकि इसमें मिरर यूज करते हैं और लेंस यूज करते हैं। पहले टेलीस्कोप में लेंस और लेंस है, इसमें मिरर और लेंस है, और मिरर रिफ्लेक्शन शो करता है। तो इसमें यहां पर एक पैराबोलिक मिरर है, यहां मिरर है, यहां मिरर है, और एक लेंस है, आईपीस के पास लेंस है, ऑब्जेक्टिव के पास मिरर है। रेज आती हैं सीधा पैरेलल, मिरर को टकराती हैं, मिरर को टकराती हैं और सीधा लेंस में से पास करके इमेज बनाती हैं। तो ये इसका डायग्राम मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसको याद करना है, पेपर में आएगा। पेपर में ये नहीं आएगा ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ना क्वेश्चन ही आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। रे डायग्राम ऑफ कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है कैसग्रेन, तो कैसग्रेन टाइप टेलीस्कोप नाम आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो भूलना जाना, दो टाइप के रिफ्लेक्टिंग होते हैं, एक न्यूटोनियन टाइप होता है, एक कैसग्रेन होता है, ये कैसग्रेन का बहुत आता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये डायग्राम बनाना है आपने। और इसमें करना है कुछ नहीं है, मैग्नीफाइंग पावर कुछ नहीं है इसमें, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ये याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में इसमें मिरर है तो R/2, आई पीस में लेंस है तो सिर्फ एफ ई, फॉर्मूला लगा देना है बस। मेनली तो रे डायग्राम आता है इसका। दूसरे टाइप का रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये भी आता है न्यूटोनियन बनाना। इसके अंदर क्या करना होता है, इसमें एक कनकेव मिरर है और एक प्लेन मिरर है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, प्लेन मिरर है। तो रेज आती है देखो सीधा टकराती हैं, प्लेन मिरर से टकरा के आई पीस में जाती हैं, तो इसका रे डायग्राम है, बस याद ही करना है, इसमें कुछ करना नहीं है।